जय माता जी। श्री यादव मंदिर शिववाड़ी मंदिर के पीछे नागौर राजस्थान प्रजापत समाज द्वारा धार्मिक आयोजन 22 अक्टूबर रविवार भव्य कलश यात्रा 22 रविवार रात्रि संगीत में जागरण व समाज द्वारा बोलियां 23 तारीख सोमवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व भामाशाह अतिथि सम्मान समारोह स्वागतम भले पधारो। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दे जिससे कलश यात्रा व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का लाइक देख सके। धन्यवाद, आभार। राजेंद्र जी प्रजापत से पूछेंगे कि क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार आयोजन चलेगा, बताएंगे राजेंद्र जी भाई साहब। नमस्ते सभी बंधुओं को, नमस्ते। श्री आदि विकास समिति नागौर के तत्वाधान में श्री आदि महामूर्ति शिववाड़ी के पास नागौर में किले की ढाल प्रमुख जगह है। श्री आदि माँ जो प्रजापत समाज की आराध्य देवी है उसका भव्य मंदिर बना है। करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से ये नया मंदिर और भवन बनकर तैयार हुआ है और ये मेरे पास में बैठे हैं तुलसीराम जी प्रजापत। तुलसीराम जी आपका बहुत स्वागत है। तुलसीराम जी प्रजापत इस श्री आदि कमेटी के नीम के पत्थर हैं और कोषाध्यक्ष का पद कार्यक्रम करके इन्होंने इस मंदिर को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है श्रीमान गोपाराम जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, शिक्षा विभाग शिक्षाविद हैं और हमारे समाज के संरक्षक हैं। आपके भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेन आप बताएंगे 22 तारीख का प्रोग्राम और 23 तारीख का प्रोग्राम। देखिए ये श्री आदिनाथ मंदिर जो बन रहा है आज इस महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज महोत्सव का पहला दिन है। पहले दिन से जसवंतगढ़ से पधारेंगे 7 पंडित यज्ञ और भवन के मार्फत। आज 3 जोड़े यहाँ बैठे हैं यज्ञ भवन में और लगातार 22 तारीख तक ये यज्ञ हवन प्रतिदिन चलेगा और प्रतिदिन नए जोड़े समाज के बैठेंगे और यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। और मुख्य कार्यक्रम 22 तारीख को प्रातः 9 बजे से चेनार श्री आदि मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकलेगी। मतलब वहाँ पे मेन मुख्य मंदिर वहाँ पे है चेनार के अंदर। मुख्य मंदिर तो ये है, मुख्य मंदिर तो यही है। एक श्री आदि का जो समाज का शहर के अंदर चेनार की भाव ये है तो वहाँ के श्री आदि मंदिर है, वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और जो नई नवीन मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी चीज है उनका स्नान वगैरह करके कलश यात्रा के माध्यम से यहाँ लाया जाएगा। उसमें 2100 महिलाएं हैं जो लाल चुनरी और पुरुष वर्ग है वो सफेद गणवेश में रहेंगे और ऊंट रथ साउंड बैंड वालों के साथ में मतलब हुई हाँ के साथ में मतलब भव्य शोभा यात्रा ये कलश यात्रा होगी। भव्य कलश यात्रा होगी। आपका परिचय बताएंगे। ये रणजीत जी प्रजापत हैं और समाज
के मुख्य कलश यात्रा होगी जो यहाँ पर शिवबाड़ी पहुँचेगी। उसके बाद 22 तारीख को भव्य कलश यात्रा शिवबाड़ी गाजे बाजे से पहुँचेगी। उसमें कई आकर्षक झांकियाँ होंगी, समाज की महिलाएं काफ़ी संख्या में रहेगी। और ये हमारे महेंद्र जी प्रजापति कुमार नागौर के हैं और समाज से भी हैं और उपाध्यक्ष का इनके पास दायित्व है समाज पर। शुभकामनाएं महेंद्र जी। और मैं ये कह रहा था कि कलश यात्रा के बाद में रात्रि 22 को रात्रि में महाजागरण रहेगा, जिसमें नरेश प्रजापति भीलवाड़ा एवं पार्टी मुख्य कार्यक्रम अदा करेगी और प्रसिद्ध गायिका अरुणा प्रजापति भी अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर देंगे और लड़की उड़ान जो प्रसिद्ध नाच है उनके साथ कई और अनेक कलाकार आएंगे। और उसी रात्रि को जो ये पिंडे और मंदिर के कई प्रकार की बोलियाँ लगेगी वो रात्रि जागरण के समय ही लगेगी। अगले दिन 23 तारीख को सोमवार को समाज का हमारा और अतिथियों का सम्मान समारोह रहेगा और ये शादी रहेगी। इस महाप्रसाद जी 22 और 23 दोनों दिन रहेगी, दोनों दिन